हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गेहूँ के आटे से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। आए चलते बनाते हैं। कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल गरम कर लिया। इसमें क्रश किया हुआ धनिया डालेंगे और जीरा डालेंगे और थोड़ी सी हींग डालेंगे। ये 1 कटोरी मैंने मटर को ददरा पीस लिया था मिक्सी में। अब इसको भी इसमें डाल देंगे। अब मटर को थोड़ा सा भुनेंगे। अब इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें 1 कद्दूकस किया हुआ आलू डाल देंगे उबला हुआ। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा गरम मसाला डालेंगे इसमें। अब इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे थोड़ा। सारी चीज़ों को मिला कर अच्छे से भून लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा अमचूर पाउडर भी डाल देंगे, कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं मुझे मसाले को भूनते हुए। फिलिंग हमारी तैयार है, अब इसको ठंडा कर लेंगे। जब तक फिलिंग हमारी ठंडी हो रही है, हम आटा गूंद लेते हैं। आटे में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी सी अजवाइन भी डाल देंगे, थोड़ी सी कलौंजी भी डाल देंगे। नमक को अच्छे से मिला लिया। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। सारी चीज़ों को मिला लेंगे और सख्त आटा गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे आटे में और सख्त आटा गूंद लेंगे, जैसे पूड़ी के लिए गूंदते हैं। आटा हमारा गूंद के तैयार है, इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। आटा हमारा सेट हो चुका है। अब एक बड़ी सी लोई तोड़ लेंगे, इसमें से और एक बड़ी रोटी बेलेंगे। बड़ी सी रोटी बेल लिया है मैंने, ज़्यादा मोटी नहीं बनाएंगे। अब कटोरी की सहायता से इस तरीके से काट लेंगे। एक्स्ट्रा आटा हटा देंगे इसमें से। फिलिंग हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। फिलिंग में से थोड़ी सी फिलिंग लेंगे, इस तरीके से गोल बना लेंगे फिलिंग को। अब इस तरीके से इस रोटी पे रख देंगे और इस तरीके से दबाएंगे साइडों से। एक फूल का शेप देंगे हम इस तरीके से दबा के और बंद कर देंगे चारों तरफ से। ये देखिए हमारा एक नाश्ता बनके तैयार है। इसी तरीके से सारे नाश्तों को बनाएंगे। मैं एक और बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने 2 बना दिए हैं, इसी तरीके से सारे बना लेंगे। सारा नाश्ता हमारा बन चुका है। कढ़ाई में तेल भी गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे एक एक करके जितने आएंगे इसमें। इसको मीडियम आंच पर ऐसे ही उलटते पलटते हुए पका लेंगे। एक साइड से हमारा नाश्ता लाल हो चुका है, इसको मैंने पलट दिया है। इसी तरीके से पलटते हुए मीडियम आंच पर पकाएंगे। ये मैंने गेहूं के आटे से तैयार किया, आप इसे मैदे से भी बना सकते हैं। सारा नाश्ता हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बना है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे ही और भी नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। सारा नाश्ता हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे।
ये लीजिए, हमारा गेहूं के आटे और मटर से बना हुआ नाश्ता तैयार है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। आप भी इस तरीके से बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बना है, गेहूं के आटे से बनाया है मैंने इसको। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट करके बताएं मेरी वीडियो कैसी लगती है। वीडियो को फुल वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।